से कहा बेचारे से फायदा, ताकि महाराज ना बोलिए भरोसा जल कायम है, भरोसा कायम रहेगा, अंदर रहेंगे हम लोग। आप लोग यहाँ थोड़ा सा कुछ शब्दार्थ में नहीं आ रहा है क्या? से बात नहीं कोई महाराज जी, महाराज जी इधर के खड़ा कर दें, बारे को आगे खड़ा कर दें। अरे महाराज जी थोड़ा खड़े हो जाए, हम लोग का वीडियो हो जाए, थोड़ा सा एक मिनट खड़े हो जाए सर। अरे भैया स्टीमर तो यहीं पर, स्टीमर चल जाएगा तो क्या फायदा, वो स्टीमर भी उधर जाके बिठाएगी। देखो चप्पल है, वो चप्पल है, ऊपर वाला कपड़ा उसी रंग का है। चप्पल याद दिलाया माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से तीन ऐसे परिवार जिनकी आकाशीय बिजली में असामयिक मृत्यु हो गई थी, उनको 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मंजू पुत्र, मंजू पत्नी लक्ष्मण, ये 80 की रहने वाली वाराणसी, जो कई प्रभावित परिवारों को दी जा रही है, जिसमें रोजमर्रा की चीजें आटा चावल दाल नमक ये सब माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक की उपस्थिति में इन प्रभावित परिवारों को ये आर्थिक सहायता दी जा रही है। राजस्थान में चंबल नदी से और मध्य प्रदेश में बेतवा और केन में अचानक पानी छोड़ने के कारण उत्तर प्रदेश में गंगा जी और यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ निचले इलाकों में पानी आया है। यह एक आपदा है, आपदा की इस घड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र और प्रदेश की सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से आप सबके साथ में है, इसीलिए पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने की ही दृष्टि से पर्याप्त धनराशि हर जनपद में उपलब्ध कराई गई है। प्रभावित क्षेत्रों में नावों की व्यवस्था हो, जो लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पर आए हैं उनके घरों की सुरक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो, या फिर राहत कार्य के लिए हर उस परिवार को, प्रभावित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई चना, अरहर की दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले, सलाई, यानी जो भी घर के आवश्यक सामग्री होती है सारी की सारी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रभावित परिवारों को केरोसिन आदि भी देकर के उन्हें आवश्यक दवा आदि की व्यवस्था भी उनके लिए सुनिश्चित की जा रही है। मैं आज इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन से मैं स्वयं भी आपके यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। मैं विगत दिनों भी आया था, फिर से गंगा जी में जलस्तर बढ़ने के कारण, जो निचले इलाकों में पानी घुसने के कारण जल जमाव और भराव की जो स्थिति पैदा हुई है, इसमें पूरा प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी और उनके स्वयंसेवकगण, ये सभी लोग आपके साथ में हैं। आपदा की इस घड़ी को बड़ी धैर्य के साथ
शासन प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय करके हम इस समस्या से पीड़ितों को राहत दिलाने में हम सब अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं फिर से जिला प्रशासन से कहूंगा कि जो भी पीड़ित है उन्हें राहत के पैकेट 12 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आपदा के कारण जन हानि, पशुहानि या किसी भी प्रकार की हानि में जो आवश्यक मुआवजा है वह राशि भी 24 घंटे के अंदर उन पीड़ित परिवारों को अवश्य उपलब्ध हो जाए। इस सरकार की मंशा रही है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्य को संपन्न किया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर, आपदा के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी, अपनी ओर से भी पूरी संवेदना आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के आपदा के इस समय में राहत कार्य के माध्यम से पीड़ित जनों के साथ सहयोगी की भूमिका में खड़े होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।